हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक दिवसीय आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर सोमवार को रोटरी क्लब जालोर द्वारा जालंधर नाथ धर्मशाला में आयोजित किया गया। रोटरी क्लब जालोर के अध्यक्ष महेंद्र मुनोत ने बताया कि क्लब द्वारा सामाजिक सेवा के प्रकल्प में सत्र की अगली कड़ी में आज आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार कसवा द्वारा किया गया। शिविर में आम जनता के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से कई रोगों जैसे गाठिया, जोड़ों का दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, मधुमेह, दमा, खांसी, लीवर और पथरी का निःशुल्क इलाज किया गया एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं प्रख्यात चिकित्सक द्वारा रोगियों का निःशुल्क इलाज किया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर में सेवा भारती संस्था, भारतीय सेवा समाज एवं दालमिया सेवा ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा BAMS एवं भारतीय सेवा समाज राजस्थान के प्रभारी कैलाश सिंह रत्नु अपने सहयोगियों की टीम के साथ सेवाएं प्रदान की गई। शिविर में रोटरी क्लब के सचिव डूंगर सिंह मंडलावत, वरिष्ठ रोटेरियन NK जैथलिया, रामेश्वर गोयल, ओमाराम देवासी, राजेंद्र प्रजापत, नीरज गुप्ता, रश्मि स्वामी, सुनीता बंसल, इंदु गोयल सदस्यों सहित शहरवासी मौजूद रहे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।